सभी सुंदर साथ को कोट अन कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री किरंतन ग्रंथ के प्रकरण 128 की 30 तक की चौपाई का पाठ किया था। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ढोलता ढोलाने सोहेलू पण आगल उंडी खाड, लोही मास सर्वे सुखसे पछे घरट दलासे हाड। प्रवाह में बहकर नीचे की ओर जाना सरल होता है, किंतु आगे गहरी खाई है। नरकाग्नि में तपने पर जब शरीर के रक्त और मांस सूख जाएंगे तब यमराज की चक्की में हड्डियां भी पिसी जाएगी। केस त्वचा जासे चरमाई, नसो त्रुट से निर्वाण, विध विधना दुख देख सो पण तोहे नहीं छोड़े प्राण। नरकाग्नि में तुम्हारे केस और त्वचा झुलस जाएंगी, निश्चित ही तुम्हारी नसें भी टूट जाएंगी। इस प्रकार तुम नरक के विभिन्न दुख भोगोगे, तथापि तुम्हारे प्राण उस यातना देह से नहीं छूटेंगे। जमपुरी ना दुख दारुण, ते सुन थी तमे माण्या, पुराण ते माटे कहे पुकारी, केणे खाए रखे अजाणिया। यमपुरी के असह दुख क्या तुमने पहले कभी नहीं भोगे हैं? कोई इस बात से अनभिज्ञ न रहे, इसीलिए शास्त्र पुराण आदि पुकार पुकार कर कह रहे हैं। कुंड 28 कहया सुखदेवे, एक बीजा थी चढ़ता जाए, त्यारे पड़ियो परिखत दुख सुनी, स्वामी बीजा तो ना संभलाए। सुखदेव मुनि ने नरक के 28 कुंडों का वर्णन किया जो एक से एक बढ़कर हैं। तब राजा परीक्षित इन दारुण दुखों का वर्णन सुनकर व्याकुल हो गए तथा कहने लगे, हे स्वामी, अब अन्य कुंडों के दुख मुझसे सुने नहीं जा सकते। छपन रहया बिन सांभलिया, तेता सुनी न सक्यो राय, कलकली कंपमान थयो, तेता कहया न सुनिया जाए। इस प्रकार राजा परीक्षित शेष 56 कुंडों के दुखों का वर्णन सुन न सके, मात्र 28 कुंडों के दुख का वर्णन सुनकर ही वे व्याकुल हो उठे। इसीलिए कांपते हुए कहने लगे, हे मुनिजन, अब वे असह्य दुख मुझसे सुने नहीं जाएंगे। देव ते दोष लिए नहीं, ते माटे की था पुराण, देखी पड़ो का खाड़ मा, आता सहु ने करे छे जान। विधाता किसी भी प्रकार के दोष अपने सिर पर नहीं लेता, इसीलिए तो पुराणों की रचना की गई है। इनमें इस प्रकार का ज्ञान देखकर भी तुम सब दुख के इस गड्ढे में क्यों गिरना चाहते हो? स्वादे लाग्या सुख भोगवो पण पछे थासे पछताप, व्यास वचन जोता नथी पछे घससो घणु बन्ने हाथ। तुम इंद्रियों के स्वाद में पड़कर विषयों के सुख भोग रहे हो, किंतु बाद में बड़ा पश्चाताप होगा। व्यास जी के इन वचनों को देखते नहीं हो, पश्चात हाथ मलते रह जाओगे। भट जी चोखो तमने केम कहे, जेने मांडियुए ऊपर हाट, सूथी दिखाड़े संजमपुरी, तमे अपगरो एणी वाट। कथाकार तुम्हें क्यों सत्य कहेंगे? उन्होंने तो कथा को ही व्यवसाय बना रखा है। वे तो तुम्हें यमपुरी का सरल मार्ग बताते हैं तथा
तुम भी उसी मार्ग पर चल रहे हो। बुद्ध तुम्हारी किहा गई, पछे आवसे की है काम। वचन जुवो सुखदेवना, तेमा प्रगट परा धान। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई है? बाद में यह बुद्धि किस काम आएगी? सुखदेव जी द्वारा वर्णित भागवत के वचनों पर विचार करो, उसमें परम तत्व का स्पष्टीकरण है। अर्थ लई शास्त्र तणो, तमे ओलख जो आ ठाम। बीहो छो छाया थकी, जुओ करे छे कौन संग्राम। शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को समझकर इस संसार की असारता को पहचानो। माया की छाया से ही तुम डर रहे हो, परंतु हृदय से विचार करो कि तुम्हारे साथ कौन युद्ध कर रहा है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 128 की 40 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।